मेरी हाथों में नो नो सिर्फ एक ही चूड़ी है। बहुत टेस्टी है। इसमें 5 ग्रेन्स है, ओट्स, व्हीट, कॉर्न, बार्ले एंड राइस। इसमें अलग से चीनी देने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा मीठा मीठा है, बहुत ही टेस्टी है। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। सुबह की चाय पी रही हूँ अभी, और ये केलॉग्स मूसली, 21% फ्रूट नट्स एंड सीड्स, बहुत टेस्टी है वैसे। तो आज की वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। ये कटहल के सीड्स हैं, इसे बॉईल कर चुके हैं, देखिए ये कितने अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अभी मैं इसके ऊपर का छिलका निकालूंगी। बॉईल करने के बाद इसके छिलका उतारना बहुत ही आसान हो जाती है, देखिए मैं उतार रही हूँ अभी। देखिए मैंने इसे दो हिस्से में काटा है, थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल और थोड़ी सी रिफाइंड तेल से मैं इसे फ्राई करूंगी। थोड़ी सी हल्दी और नमक दे दी है मैंने। इस तरफ बन रही है दाल, फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है साग भाजा, आज थर्सडे है तो आज वेज खाते हैं, तो बहुत ही सिंपल और इजी टू कुक हम बना रहे हैं। ये मिहिर के कंगन टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, ये बहुत ही शार्प हो चुकी है, इसीलिए मैं मिहिर को नहीं पहना रही हूँ। तो इसीलिए हम जा रहे हैं अभी ज्वेलरी शॉप में। घर वापस आ गई हूँ अभी, अब फ्रेश हो लेती हूँ, फिर मिलते हैं। मैं दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। तो देखिए ये मैंने मिहिर का कंगन में नया लेके आई हूँ। मिहिर का कंगन ये एक्सचेंज करके लाए हैं, पहले जो मतलब टूटा तो नहीं था, बस ये बॉल्स धार हो चुकी थी। ये हमने नए से नहीं ख़रीदा है, एक्सचेंज किया है, पहले का पुराना वाला देके ये नया लेकर आए हैं। पर ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देना पड़ा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देना पड़ा है क्योंकि पहले का पुराना हो चुका था और वो घिस गया था थोड़ा, तो वेट भी कम हो चुकी थी, उसके बदले में हम ये लेके आए हैं। थोड़ा सा पैसा हमें देना पड़ा। तो ये है मिहिर का, और ये मैं लाई हूँ अपने लिए, ये भी सिल्वर का ही है, चांदी का। पहले हमने दुकानदार से कहा कि चांदी का कंगन दिखाइए, तो उसने पूछा कि आपके लिए, तो मैंने कहा नहीं बच्चे के लिए,
मैंने फिर से पूछा कि बड़ों का भी मिलता है क्या, तो उसने बोला हाँ। तो हमने बाद में इसे देखा, उसने दिखाया, फिर मुझे ये वाली पसंद आई है तो ये मैंने ले ली है। चांदी का ही है ये भी। वैसे मैं अभी हाथ में कुछ नहीं पहनती, मैं पहले पहनती थी। एक मैरिड वुमन जो पहनती है शाखा पोला कहते हैं ना, वाइट और रेड कलर का, तो वो मैं पहनती थी। लेकिन जब से मिहिर पैदा हुआ है तब से मैंने पहनना, मतलब मिहिर पैदा होने के बाद मैंने उसे खोल के रखा है। मैं पहनूंगी बाद में जब मिहिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं खोल के रखी थी क्योंकि जब मैं उसे गोदी में उठाती थी ऐसे, तो यहाँ पे उसका सर होता था तो उसे लग जाता था, शायद उसे दर्द हो, तो इसीलिए मैंने कंगन खोल के रखी है। मैं जब मिहिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब मैं फिर से पहनूंगी। तो तब तक के लिए मैं ये अपने हाथ में पहन लेती हूँ, नहीं तो हाथ बहुत ही खाली खाली सा लगती है। बड़ों का छोटा बड़ा करने का सिस्टम नहीं है, ये साइज़ में आती है, लेकिन बच्चों का छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये फ्री साइज़ है। अच्छी है बहुत, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल में ही बहुत ही स्टाइलिश भी है। तो मैं इसे रोज़ पहनूंगी, ये हमेशा मेरे हाथ में रहने वाली है। बहुत ही सिंपल है, प्लेन है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। यहाँ कंगन में कुछ कटिंग या डिज़ाइन होती तो उसमें मैल जमने की चांस होती है, लेकिन इसमें वैसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही प्लेन है और ये हमेशा शाइन करती ही रहेगी। अभी ये हमेशा से मेरे हाथ में ही रहने वाली है। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आहा, इसको टाइट कर सकते हैं, अंदर डालने के बाद थोड़ा सा टाइट कर देती हूँ। हो गया नया कंगन मिही, इस तरफ भी। देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। अच्छा है ना, टिंग टिंग टिंग। देखो हम दोनों का। ऐसे छोटे छोटे हाथों में ऐसे छोटे छोटे कंगन कितना अच्छा लगता है ना मिही। तो आप लोगों को आज की मेरी कंगन की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।